अनूपपुर में कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ और उनके समर्थक मतदान हो जाने के बाद लगातार पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम मशीन की चौकीदारी कर रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि बीजेपी के लोग ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ कर सकते हैं। बता दें कि अनूपपुर विधानसभा की मतदान संपन्न हो चुके हैं और मतदान के बाद से ही विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के भाग्य का पिटारा ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है, जिसको लेकर मतगणना स्थल पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोतमा विधानसभा के विधायक सुनील सर्राफ स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता और अपने समर्थकों के साथ में टेंट लगाकर ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। जब इस संबंध में सुनील सर्राफ ने से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग ईवीएम में छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसी क्रम में जब बीजेपी प्रत्याशी दिलीप सिंह जसवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जैसी जिसकी करनी हो उसकी वैसी ही सोच होती है। एक हमारे देहाती में कहावत है कि जब बाड़े खेत का खाए तो फिर खेत कहां बचे। इसके लिए टेंट लगा के रहना पड़ता है क्योंकि जो शासन है वो भाजपा का है, तो कुछ भी हो सकता है। बालाघाट की घटना ले लो या चुटपुट और यहाँ यहाँ घटना हुई है, तो हम ऐसी स्थिति क्यों आने दें। मेरे क्षेत्र की लाखों देवतुल्य परिवारजनों का आशीर्वाद यहाँ कैद है, तो क्यों ना मैं उसका पहरेदारी करूँ। सिर्फ आप ही बस बैठे हुए हैं और भी प्रत्याशी बैठे हुए हैं। अब यहाँ तो जब मैं बैठा हूँ तो किसी और को बैठने की जरूरत ही नहीं है भाई, एक एक पर्याप्त है, बाकी जगह भी बैठे हैं। इससे पहले भी पिछले साल भी ऐसा कुछ हुआ था। हाँ हुआ था ना, हम 2018 में भी यहाँ बैठे थे टेंट लगा के, और मैं आधे एक घंटे के लिए कोतमा गया। इस बीच एक अटल रथ करके बस में 40 ईवीएम यहाँ पे आ गई। ये मानो स्वभाव है, जो व्यक्ति जैसा किया रहता है उसको भी लगता है कि शायद मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। कांग्रेस हमेशा यही करती आई थी, पहले जब हमारा शहीद जिला शहडोल था और जब ईवीएम में नहीं बैलेट पेपर के माध्यम से हुआ करते थे चुनाव, तो किस प्रकार से बैलेट पेपर की जब गड्डी बनती थी 50-50 की, तो कमल के गड्डी पे दो ऊपर पंजे के रख करके और कमल के वोट को पंजे में गिन दिया करते थे लोग। किस प्रकार से लाइट गोल करके पेटियां बदल दिया करते थे और परिणाम अपने पक्ष में लिया करते थे। ये कांग्रेस की परंपरा रही है। एक ने ऐसे पूरे जगह पर आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे।